हेलो फ्रेंड्स, आज हम घर में पनीर निकालने की टिप एंड ट्रिक जानेंगे। ये बहुत कम टाइम में बहुत सॉफ्ट और बहुत फ्लफी बन के तैयार होती है। इसे निकालना बहुत आसान है, तो आइए आज हम घर में पनीर निकालेंगे। इसे निकालने के लिए मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। ये गाय का दूध है, फुल फैट है। आप इसकी जगह भैंस का भी ले सकते हैं या पैकेट का भी ले सकते हैं। साथ ही में 2 नींबू लिया है, इसका पहले हम जूस निकाल लेंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे। और साथ ही में थोड़ा सा वाइट मलमल का कपड़ा लिया है। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा नहीं है तो इसकी जगह कोई भी कॉटन दुपट्टा बट लाइट कलर का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि डार्क कलर से आपके पनीर के ऊपर कलर आ जाए। अब हम दूध को पहले अच्छे से बॉयल कर लेंगे हाई फ्लेम पर, और इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। जब तक दूध में बॉयल आएगा तब तक हम लेमन जूस निकाल लेते हैं। मैंने 2 नींबूओं का यूज़ किया है। आपके पास अगर बड़े साइज़ का नींबू है तो आप 1 नींबू से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दूध मैंने 1.5 लीटर ही लिया है। देखिए कितना इजीली ये नींबू का जूस निकल गया। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 कप पानी। दूध में अच्छा सा बॉईल आ गया है, और अब हम इसे एक बार चला देंगे ताकि सारी मलाई टूट जाए। और इसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी में मिक्स किया हुआ लेमन जूस। और इसे हम एक बार चला देंगे। नींबू डालने के कुछ सेकंड के बाद आप देखेंगे कि दूध फट गया है। आप देख सकते हैं पनीर और पानी बिल्कुल अलग हो गया है। आप देख सकते हैं हरा पानी एक साइड हो गया है और छेना एक साइड हो गया है, यानी दूध अब अच्छे से फट गया है। और अब हम इसे छान लेंगे। और यहाँ पे लिया है मैंने एक बड़ा सा बोल, इसके ऊपर हम रखेंगे मलमल का कपड़ा और इसे इस तरह हाथों से बीच में दबा देंगे। और अब इसके अंदर हम डालेंगे पनीर, उसे इस तरह से छान लेंगे। इसे धीरे धीरे डालेंगे क्योंकि ये बहुत गर्म है, इसे हम केयरफुल करेंगे। चारों तरफ से इस कपड़े को हम इस तरह से पकड़ेंगे ताकि इसकी एक पोटली बन जाए। ये अभी भी काफ़ी गर्म है। पनीर आज मैंने नींबू के साथ निकाला है। सेम प्रोसेस आप विनेगर के साथ भी करके निकाल सकते हैं, लेकिन वाइट विनेगर का यूज़ कीजिएगा। ये अच्छे से गड़ गया है, और अब हम प्लेन पानी लेंगे एक बोल के अंदर, और इस पानी में हम इसे डिप करेंगे ताकि जितनी भी नींबू की खटास है वो अच्छे से निकल जाए। ये अभी भी काफ़ी गर्म है, और अब हम इसे रोल करेंगे। केयरफुली करें और थोड़ा ऊपर से ही करें, ज़्यादा नीचे से हम इसे रोल नहीं करेंगे। इस तरह से रोल करें। इस तरह से रोल किया, और अब हम इसे पलट के इस तरह से रख देंगे। इसके ऊपर हम कोई भी हेवी बॉटम रख देंगे, प्रेशर कुकर हो या किसी पतीले में भर के पानी रख देंगे। मेरे पास ये चकला है, ये पत्थर का है, तो मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ। इसे अच्छे से प्रेस करके रख देंगे 15 मिनट के लिए। खुद पनीर एक तरफ हो जाएगी और पानी एक तरफ हो जाएगा, और बहुत अच्छे शेप में पनीर बन के तैयार होगी। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे हटा के देखते हैं। देखिए ये परफेक्ट पनीर बनके तैयार हो गई है। पनीर एक साइड हो गई है अपने शेप में, और पानी एक साइड हो गया है। ये आप देख सकते हैं, ये पानी है जो पनीर के अंदर पहले था, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे खोल के आपको दिखाती हूँ। देखिए ये पनीर कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है, और सिर्फ 1.5 केजी दूध लिया था मैंने। देखिए इसका कितना अच्छा थिकनेस है, और एकदम परफेक्ट मार्केट जैसी पनीर बनके तैयार हुई है। आप इसे बहुत ईजिली अपने घर में बना सकते हैं। बहुत फ्लफी है और बहुत अच्छी है। इस पनीर से आप जो चाहें वो बना सकते हैं। पनीर तो मैंने निकाल लिया, अब इसे स्टोर कैसे करें, वो इससे भी ज़्यादा ईजी ट्रिक है। आप इसे हफ्ते दिन के लिए ईज़िली स्टोर करके अपने फ्रिज में रख सकते हैं, और थोड़ी भी आपकी पनीर ख़राब नहीं होगी। इसके लिए हम लेंगे एक बोल, बोल के अंदर डालेंगे अपनी पनीर को, और इसके अंदर डालेंगे हम पानी,
और इसे हम 7 से 8 दिन आसानी से अपने फ्रिज में रख सकते हैं। ये थोड़ी भी ख़राब नहीं होगी, लेकिन आप इसका पानी बीच बीच में चेंज करते रहें। अगर आप इसका पानी पर डे चेंज करेंगी तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप एक बार घर में पनीर निकालें, उसके बाद आप बाहर की पनीर लेना नहीं पसंद करेंगी, क्योंकि घर की पनीर ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आज की ये टिप एंड ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।